أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزہ معراج کی فضیلت اور اس کی برکت اور نعمت سے
हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत होने के नाते से भी बहरायाब फरमाया और इसके फुजूजात में से हमें हिस्सा अता फरमाया। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, मैं इसी मौजू पर ही चंद बातें कहता हूं, वो दूसरा मौजू जहन का नज्म भी होगा या नहीं होगा, आपने बात कर दी। आपको मालूम है कि गजवा से माल गनीमत वापस आया और उसमें दो चादरें सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहनकर अपना कमीज सिलवा लिया। हिस्से में एक एक चादर हर एक को मिली थी। आपका कद व कामत बड़ा था। अगले रोज जब सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु वो कमीज पहन के खड़े हुए तो सहाबा कराम की मजलिस थी, तो एक ने खड़े होकर पूछा कि या अमीर अल मोमिनीन, एक एक चादर सबके हिस्से में आई, आपको भी एक चादर मिली, तो उससे तो कमीज नहीं बन सकता था इतना बड़ा जितना आपने पहन रखा है, आपने कैसे सिलवा लिया? ये सवाल किया जब आप तलबी की। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा सकते थे कि मैं अल्लाह को जवाब दे हूं, अगर मैंने बददियानती की है तो मैं अल्लाह को जवाब दे हूंगा, मगर नहीं, मुतमईन करना। ये जवाबदेही मुतमईन करने के सेंस में होती है। अल्लाह को जवाबदेही अल्लाह की बारगाह की मुतमईन करने के सेंस में नहीं, वो मालिक है, मालिक यौमिद्दीन है, वो मालिक है, इसलिए बंदा उसको जवाब दे है। वर्कर और पैरोकार मालिक नहीं होते, वो मिशन के खिदमत गुजार होते हैं, उनके सामने जवाबदेही मुतमईन करने के सेंस में होती है ताकि उन्हें मुतमईन किया जाए। मैं आपके इस हक को मानता हूं और मैं आपकी हक तलबी से बेहतर अल्लाह के शुक्र से वो फरीजा खुद अंजाम देता रहता है, इसलिए तो चलिए। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, अपने बेटे को खड़ा किया तो आपके बेटे ने खड़े होकर गवाही दी कि मैंने अपनी चादर भी अपने वालिद गरामी को दे दी। इस तरह इन्होंने दो चादरों को मिला के कमीज सी दी। तो ये लोग वाबस्तगान को मुतमईन करना, ये जवाबदेही का एक किस्म होती है जिसे बरकरार रहना चाहिए। मेरी बात या इस वक्त परेशानी या नाराजगी इस पर तो है ही नहीं कि किसी ने पूछा क्यों, वो तो हजार बार पूछा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि पूछने का ये वक्त नहीं था। कोई चीज आप देखते, उन्होंने भी चादर दो चादरों का बना हुआ बड़ा कमीज देखा, पहना हुआ देखा, तो तब सवाल किया, तब पूछा कि कहां से बन गया। अब अगर वो कमीज पहनने से पहले ही पूछने लग जाते कि सुना है कि आप बड़ा कमीज सिलवा रहे हैं सैयदना फारूक आजम से, हमारी तो एक चादर से हमारे तो घुटनों तक भी कमीज नहीं आई, सुना है आपका टखनों तक कमीज आ रहा है, इतलात मौसूल हुई है कि आप दो चादरें ले रहे हैं, अगर इस तरह का शोर शराबा होता तो पता नहीं सैयदना फारूक आजम उनको कोड़े ही मरवा देते, कोड़े मरवा देते कि तुम्हें शर्म नहीं आती, सुना है, ये क्या चीज होती है, ये अफवाह है ये। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सुनी सुनाई बात आगे कर दे उसके झूठे होने के लिए वही काफी है। हदीस पाक, जो सुनी सुनाई बात आगे कर दे उसका झूठा और काजिब होना इतनी बात के साबित है। तो उन्होंने कोई अमल देखा और उनकी समझ में ना आया, फिर सवाल किया, आपने जवाब भी दिया, मुतमईन कर दिया। यही चीज मैंने इनको समझाई कि 24 को वलीमा है, उसके बाद भी कोई जुमा आना था या क्यामत तक जुमे खत्म हो जाने थे, उसके बाद भी मेरा और आपका आमना सामना होना था। तरीका यह था अजरुए शरा, अजरुए कानून, अजरुए अखलाक, इनका हक है, मगर हक यह था कि 24 को अगर कोई चीज मुमकिन है 24 की रात आपकी सारी अफवाहें खुद दम तोड़ देती और आपको खुद शर्मसारी होती अपने दो तीन हफ्ते की उस परेशानी पर जो अफवाहों पर यकीन करके जिसमें आप मुब्तला रहे, झूठी अफवाहों पर, खुद ही आपको इत्मीनान हो जाता तो पूछने की नौबत, और यकीनन पूछने की नौबत ही नहीं आनी थी। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी न समझ में आने वाली काबिल एतराज होती तो आपका हक था और हक है, आप उसके अगले दिन अगली बार पूछते। बात फकत यह जवाबदेही इत्मीनान के लिए जरूरी है और यह अमल जारी रहना चाहिए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के जरिए उम्मत को यही मेयार अता फरमाया, यही तरीका अता फरमाया। अगर छोटे बड़ों से जवाब तलबी ना कर सके और सिर्फ बड़ा ही करे छोटे से जवाब तलबी और बड़े का मामला सिर्फ अल्लाह के सपुर्द हो जाए तो यह तो फिर जनरल जियाउल हक हो गया,
وہ جناب ضیاء الحق یہی کہا کرتے تھے قوم کو کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں, قوم کے سامنے نہیں, یعنی اللہ میری نیتوں کو جاننے والا ہے اور اللہ میرے عمل کو جاننے والا ہے, میں کوئی غلط کروں گا تو اللہ کو جواب دے ہوں. اگر بڑا چھوٹوں کے سامنے جواب دے نہ رہے اور صرف اللہ کے سامنے جواب دے ہو جائے تو پھر دنیا میں تو موج ہی موج ہو گئی, تو پھر مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے, وہاں قبر میں کس نے کیا دیکھنا ہے, اس کے ساتھ کیا بیتا اور کیا نہیں بیتا. تو اس طرح نظام قائم نہیں ہوتا. جو دنیا کا نظام ہے اور باہمی حقوق کا نظام ہے اس کا انحصار اسی پر ہے کہ بڑا اگر چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے اور اس کی غلطی پر اس کو سزا دیتا اور گرفت کرتا ہے یا تنبیہ کرتا ہے, جیسے میں نے تنبیہ کیا اس وقت ایک انتہائی غلط کام پر, جھوٹی افواہوں پر یقین کر کے فتنہ پھیلانے پر میں نے تنبیہ کی ہے, سختی سے تنبیہ کی ہے کہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے. یہ گناہ کا کام ہے, یہ شیطنت کا کام ہے کہ بے بنیاد افواہیں سن کر تو اس کو پھیلانا اور چلانا اور چٹے لکھنا اور باتیں کرنا بیٹھ کے دائیں بائیں. تنبیہ جیسے میں نے کی ہے تو اس طرح آپ کا, ورکروں کا, پیروکاروں کا, عقیدت مندوں کا, ان کا بھی حق ہے, اسی طرح حق ہے کہ ان کا بڑا, ان کا قائد, ان کا رہنما اگر اپنے کہے کے خلاف چلتا ہے اور اس کے قول اور عمل میں تضاد ہے, منافقت ہے, منافرت ہے اور نصیحت اور دین و شریعت کے خلاف عمل کیا ہے, تو اس کو بھی حق ہے ان کو کہ وہ بھی اس سے نہ صرف جواب طلبی کریں بلکہ گریبان تک بھی آج پہنچا سکتے ہیں اگر پہنچانا پڑے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر بیٹھے, خلافت پر, تو آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس پہلے خطبے کے الفاظ یہ تھے, اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن خالفت فلا طاعۃ لی علیکم. فرمایا لوگو میری اطاعت کرو اس وقت تک, یعنی میری بات اور میرا کہا مانو اس وقت تک جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانتا رہوں, جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میری اطاعت کرتے رہو, اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر لوں تو تم میرا حکم ماننا چھوڑ دینا, پھر تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے. اور دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا اطیعونی ما عدلت فیکم فإن خالفت فلا طاعۃ لی علیکم, میری اطاعت کرو کب تک, جب تک میں تمہارے اندر عدل کرتا رہوں, اور اگر میں عدل کرنا چھوڑ دوں اور عدل کی خلاف ورزی کروں تو تم میرے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہو. اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ اگر میں عدل کرنا چھوڑ دوں اور راہ حق سے ہٹ جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے, تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ اٹھے, انہوں نے کہا اس طرح اشارہ کر کے جیسے کوئی دھوبی کپڑے کو اس طرح نچوڑ کے اس کا پانی نکالتا ہے یا کسی چیز کا بل نکال دیا جاتا ہے کسی الٹی بگڑی ہوئی چیز کا, ہم نچوڑ کر مروڑ کر آپ کا بل بگاڑ ختم کر دیں گے. تو جب تک باہمی مواخذے کا طرفین کی طرف سے عمل جاری رہتا ہے اسی وقت تک خیر برقرار رہتا ہے. بڑے چھوٹوں کا مواخذہ کرتے رہیں مگر آداب طریقے میں, چھوٹے بڑوں کا مواخذہ کرتے رہیں آداب اور طریقے کے مطابق جو سنت طریقہ ہے, افواہوں کے ساتھ نہیں حقیقتوں کے ساتھ کرتے رہیں تو اسی سے خیر برقرار رہتی ہے. کوئی شخص بڑا یا چھوٹا وہ فی نفس سے ہی خیر کا ضامن نہیں ہوتا, ہر ایک پر شیطان حملہ کر سکتا ہے, ہر ایک شخص راہ حق سے بہک سکتا ہے, پھسل سکتا ہے, گناہ کر سکتا ہے, گمراہ ہو سکتا ہے, غلط کاری میں مبتلا ہو سکتا ہے, اپنے کہے کی مخالفت کر سکتا ہے. اس غلطی اور بہکاوا اور مخالفت, حق سے مخالفت کرنے کا استثناء اور اس سے پاک اللہ کی مخلوق میں صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں, انبیاء اور رسول علیہ السلام وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کی مقدس ہستیوں اور زندگیوں میں حق کی مخالفت کا کوئی امکان اور کوئی شائبہ ہی نہیں ہوتا, وہ پاک ہوتے ہیں. ان کے بعد امت میں کوئی معصوم نہیں ہوتا. لہذا اعتماد اور یقین اپنی درجہ قائم ہوتا ہے, اپنے پیشوا پر, اپنے رہبر پر, اپنے قائد پر, اپنے مرشد پر, اپنے استاذ پر, اپنے بزرگ پر اعتماد اور یقین
एक कीमती मता है, उसके बगैर कोई काम इस एतिमाद के बगैर आगे नहीं चलता। मगर एट द सेम टाइम उस एतिमाद और यकीन का मतलब ये नहीं होता कि ये अकीदा और ईमान रख लिया जाए कि ये कभी गलती भी नहीं कर सकता। अगर आपने ये अकीदा रख लिया, खा वो मेरी जात है, खा कोई और आपका कायद रहबर रहनुमा पेशवा और बुजुर्ग है, अगर ये ख्याल कर लिया कि इससे गलती और खता सिरे से हो ही नहीं सकती, अदम इम्कान का अकीदा रख लिया, तो आप गुमराही की राह पे चल पड़े, ठोकर खाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने तो उसे खता से पाक बनाया नहीं था, अल्लाह ने तो उसे एक ऐसा इंसान बनाया था कि जिसकी बुराइयों पर अच्छाइयां गालिब थी, जिसके अंदर बदी पर नेकी गालिब थी, जिसके अंदर शर पर खैर गालिब थी, जिसके अंदर नफ्स पर रूह और उसके तकाजे गालिब थे, जिसके अंदर इनहिराफ पर इताअत गालिब थी और गुनाह की कुव्वत और सलाहियत और रगबत पर उसका तकवा और परहेजगारी गालिब थी। अल्लाह ने तो उसे ऐसा बनाया था कि मलका दोनों चीजों का था। जो आप नफ्स और रूह के तकाजे और उनकी बाहमी जंग पर सुन रहे हैं, उसका मुद्दा यही समझाता आ रहा हूं, ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बु शहवात मिनन निसा, जो लोगों के नफूस में और लोगों की तबीयतों में अल्लाह पाक ने बुराई का, गुनाह का, लफ्जशों का, शहवतों का, खराबियों का मैलान रखा है, न सिर्फ रखा है बल्कि उन्हें मुजय्यन और खुशनुमा किया है। विलायत का माना यह नहीं है, अगर अल्लाह ने किसी को दर्जा विलायत दे दिया, अल्लाह ने किसी को तकवा अता कर दिया, अल्लाह ने किसी को नेकी तकवा में बरतर कर दिया, अल्लाह ने किसी को अपना मुकर्रब बना लिया, अपने लिए मुखलिस बना लिया, मुखलस बना लिया, चुन लिया और जुमरे सालहीन और जुमरे औलिया में शामिल कर लिया, तो याद रख लें, किसी का जुमरे औलिया में शामिल हो जाना इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि उसके अंदर से वो शहवत, वो औरत की शहवत रगबत, वो औलाद की शहवत और रगबत, शहवत से मुराद रगबत मैलान मोहब्बत इश्तिहा तरब, वो माल दौलत की रगबत और मोहब्बत, वो दुनिया और इमारत की रगबत और मोहब्बत, अलगरस ताकत और जाह और मनसब की मोहब्बत और रगबत, इसका मतलब यह नहीं कि वो चीजें, वो सोर्सेज ऑफ ईवल, वो बुनियादें, वो चश्मे जिन चश्मों से इंसानी जिंदगी के अंदर खराबी बुराई या बदी जन्म लेती है और हक की मुखालिफत या हक से इनहिराफ जन्म लेता है, जिन चश्मों से, किसी के औलिया के जुमरे में शामिल हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि वो चश्मे बदी जहां से जन्म ले सकती थी वो कुल्लियतन बंद कर दिए गए हैं और अब नामुमकिन हो गया है कि इस शख्स की जिंदगी में कोई मामूली सा गुनाह भी हो सके। नहीं, ये बात मुत्तफका है आइम्मा मुहद्दिसीन और औलियाए उलमा के हां कि औलियाए कराम से भी सगायर तो हो ही सकते हैं, सगायर छोटे गुनाह तो हो ही सकते हैं। इस अमर पर भी इख्तलाफ नहीं कि औलिया अल्लाह से कबायर में से किसी कबीरे गुनाह का इर्तिकाब हो जाना भी नामुमकिन नहीं है, किसी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब हो जाना भी नामुमकिन नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, यह अकीदा है अहले सुन्नत का, यह अकीदा है इस्लाम है, हमने तो समझा ही नहीं इस तसव्वुर को। मैं फिर समझा रहा हूं कि हत्ता के कबीरा गुनाह का कभी इर्तिकाब हो जाना भी नामुमकिन नहीं। अब समझ लें, मुमकिन और नामुमकिन होना और अमलन वाके होना, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मुमकिन है, क्या मुमकिन है, मगर उनकी विलायत और उनकी तकवा और उनकी अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी का जो गलबा है उनके अंदर, वो उन्हें उम्र भर उस वो कबीरा गुनाह करने नहीं देता, उससे महफूज रखता है, इम्कान रहता है मगर वो उससे महफूज रहता है। इसलिए इन्हें महफूज कहते हैं गुनाह कबीरा से, ये महफूज होते हैं और अंबिया मासूम होते हैं, अंबिया की इस्मत होती है, वो मासूम होते हैं, उनसे नामुमकिन है कि ये गुनाह सरजद हों और औलिया से मुमकिन है कि सरजद हों मगर सरजद होते नहीं, वो महफूज रहते हैं। अगर आप कहें कि इम्कान, तो सहाबा कराम की एक बात बताना चाहता हूं, सहाबा कराम उनका रुतबा औलिया अल्लाह से भी बुलंद था, औलिया अल्लाह से भी बुलंद था,
मगर बाद सहाबा से गुनाह कबीरा का इर्तिकाब हो गया। आपने ये सुना है या नहीं सुना कि बाद सहाबा से बदकारी का गुनाह सरजद हुआ, ये सुना है आपने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सजा दी। अब फर्क आप सोचेंगे कि फर्क क्या हुआ उन सहाबा में और उन लोगों में जिनसे ये गुनाह बदकारी का माजमला सरजद होता है, तो फर्क क्या रहा? हां फर्क भी बता देता हूं। सरजद हुआ, हदीस में आता है, बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी सियासत्ता में मौजूद है, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब हुआ, मगर उन्हें चूंकि सोबत मुस्तफा का फैज मिला था और कुर्बत नबुव्वत नसीब हुई थी और निगाह नबुव्वत के फैज ने उनके अंदर वो जिला पैदा कर दी थी बंदगी की, अल्लाह की इताअत की, खशियत इलाही की, खौफ इलाही की, तकवा और परहेजगारी की, कुव्वत को इतना बढ़ा दिया था कि गलबा नफ्स, ये गलबा शहवत में आकर किसी मकाम पर बशरी और फितरी तकाजे के तहत फिसल गया कोई शख्स सहाबा में से, फिसल गया, गुनाह कर बैठा, उस वक्त नफ्स और शैतान के गलबे में आके फिसल गया, मगर दूसरी तरफ वो नेकी मुर्दा ना हुई थी, तवज्जो का असर कुलियतन खत्म ना हुआ था, जानते हुए कि अब चूंकि शादी शुदा है तो सजा मौत होगी, स्टोनिंग टू डेथ होगी, पत्थर मारकर संजनी करके जान से खत्म कर दिया जाएगा, यह अंजाम भी जानते हुए उस फैज का असर यह था कि जब गुनाह की हालत से निकले और पलट कर ईमानी हालत दोबारा उसने गलत पाया तो दौड़कर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुद आकर गुनाह का एतराफ कर लिया। अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं जुल्म कर बैठा, मैंने जुल्म कर लिया, मैंने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर लिया, खुद आके इकरार कर लिया। तो हदीस पाक में आता है कि सहाबी ने आके इकरार किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ फेर लिया, इज्तिनाब फरमाया, दूसरी बार उसने फिर इकरार किया, फिर चेहरा मुबारक फेरा, उसने फिर तीसरी बार इकरार किया, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, जिसका जो एक वाकया जो बगैर शादीशुदा का था, उसको 100 कोड़े लगवाए, मियां तो जल्ला, उसको फिर बदकारी की सजा दी, 100 कोड़े लगाए, और एक वाकया जो शादीशुदा का था उसको संसार किया, एक से ज्यादा वाकया थे मुख्तलिफ लोगों के, एक सहाबिया से ऐसा गुनाह सरजद हो गया, सहाबिया से, उसने आके हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इकरार जुर्म किया, एतराफ किया, 3 बार एतराफ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इसको अब संसार कर दो। मदीना पाक की गलियों में उसे संसार किया गया और वो संसार होकर वफात पा गई। तो जब वो वफात पा गई उस सजा पर, हद के जारी होने पर, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस सही है, फरमाया इस खातून ने एतराफ जुर्म करके, गुनाह का इकरार करके और उस इकरार जुर्म के नतीजे में सजा पाकर, अल्लाह की हद अपने ऊपर जारी करवाकर और मौत से हमकिनार होकर, इस औरत ने इतनी बड़ी तौबा की है, अगर मैं 70 गुनाहगारों पे तकसीम कर दूं वो तौबा तो सारे के सारे बख्शे जाते। और एक हदीस में है, फरमाया कि इतने इतनी बड़ी तौबा की है कि अगर मैं मदीने की सारी वादी पर तकसीम कर दूं तो सब गुनाहगार उस तौबा से बख्शे जाते। ये फर्क था कि उनका जमीर मुर्दा ना हो पाया, उनकी बदी उनकी नेकी पर दाएमन गालिब ना हो सकी, नेकी बदी पर बिल आखिर गालिब रही। तो नफ्स के गलबे के बायस अगर फिसलन हुई तो फौरन नेकी ने उनको बाद अजा संभाल लिया और फौरन तौबा की तरफ आ गए, और तौबा खाली हाथ उठाकर किसी 27वीं की रात या 15वीं की रात शाबान को 2 आंसू बहाकर खाली आसान सी तौबा नहीं की, वो हर कोई कर लेता है, वो हम भी करते फिरते हैं, 2 आंसुओं की तौबा, दुआ की तौबा, वो सारा मुल्क करता है, वो मिन्हाजुल कुरान की 27वीं की तौबा या रायविंड वाली तौबा, ये जो लाखों लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं कोई रायविंड, और हमारे यहां भी आते हैं 27वीं की शब, ये तौबा ही का सारा सफर है, ये आसान तौबा हर कोई कर लेता है। अभी 15 शाबान भी आ रही है, गुनाहों से तौबा की रात, ये हर कोई कर लेता है, मगर वो तौबा जिसके नतीजे में मौत कबूल करे, ये तौबा करना किसी को नसीब होता है। तो वो सहाबा कराम से अगर कोई ऐसी गलती सरजद हुई किसी से, तो वो उसका मतलब ये था कि उनकी नेकी का अनसर इतना गालिब था तकवा का कि उसने खुदा खौफी के नतीजे में मौत की आगोश में जा पहुंचा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इस तरह शराब का अमल भी हुआ,
किसी ने शराब पी, एक से ज्यादा वाकयात हुए सहाबा में से। कुछ लोग पुराने रसिया थे, आदि थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब शराब को हराम करार दिया, बर्तन भी तोड़ दिए लोगों ने, शराबें उंडेल दी, गलियां भर गई शराब से, बर्तन तोड़ दिए। जो इंपोर्ट कर रहे थे कारोबार के लिए, जिनकी ऊंटों पर शराब आ रही थी, उनको खबर मिली, उन्होंने रास्ते में ऊंटों से ही गिरा के तोड़ दिए। जिन घरों में शराब कशीद हो जाती थी, सैयदना फारूक आजम ने वो घर भी जलवा दिए। इतना सख्ती से अमल हुआ आका अलैहि सलाम के गुलामों में। मगर एट द सेम टाइम मैंने बताया कि दूसरे पहलू भी, एक से जायद वाकयात हुए। कुछ लोग ऐसे भी हुए जो उसके बाद पी बैठे और उनके ऊपर 80 कोड़ों की हद जारी हुई, और कसीर वाकयात हैं ऐसे जो 80 कोड़ों की हद जारी होने के अहद रिसालत माप में और अहद खिलाफत राशिदा में। साबईन सहाबा और ताबईन का दौर था। अर्ज करने का मकसद यह है कि गुनाह हो सकता है, सिर्फ नबी से नहीं हो सकता। नबी मासूम है, वली महफूज होता है, वली महफूज होता है, मगर इम्कान खता मौजूद होता है, उसकी हिफाजत होती है। यह तसव्वुर जब हम ऐसा तसव्वुर कर लेते हैं ना किसी के लिए, तो उसी से फिर ब्लैकबाज फासिक फाजिर लोग पीरी के नाम पर, पीरी मुरीदी के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते हैं। बाज साहबजादे या गद्दी नशीन देहातों में, बाज इलाकों में ऐसे हट्टे कट्टे होते हैं जो अपने बुजुर्गों और आबाओ अजदाद के तरीके पर नहीं होते। बुजुर्गों और आबाओ अजदाद और मशायख के तरीके पर नहीं होते, शरीयत का अमल नहीं करते, दीन के पर अमल पैरा नहीं होते, तकवा का दूर से उनके साथ वास्ता कोई नहीं होता, तसव्वुफ तरीकत शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं होता। गद्दी संभाल लेते हैं चूहे पहन के, तो फिर उसके बाद मुरीदों की तरफ सफर करते हैं और फिर मुरीदनियों से पांव दबवाते हैं और खुदा जाने क्या क्या करते हैं उसके बाद। लेकिन जहालत के बायस कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, ये चूंकि बुजुर्ग हैं लिहाजा इनका तो कोई अमल भी गुनाह नहीं है। ये उससे बड़ी जहालत है, परले दर्जे की। गुनाह हर एक का गुनाह है। गुनाह का अमल किसी के लिए नेकी नहीं बन जाता, और गुनाह से कोई जवाब तलबी और अल्लाह के हुजूर मुआखजा से मुबर्रा नहीं होता। शरीयत का हुक्म हर एक के लिए बराबर और कायम दायम है। लिहाजा इस तरह इंसान को अंधा और ना समझ इस हद तक और नादान नहीं बनना चाहिए, मगर हर चीज के आदाब होते हैं, हर चीज के आदाब होते हैं। इसलिए जहां औलाद के लिए, हम औलाद के लिए हम जब तलकीन और नसीहत करते हैं, मैं इस नसीहत का आखिरी एस्पेक्ट है बयान कर लेता हूं, औलाद के लिए नसीहत करते हैं और तवक्को करते हैं कि वो नेकी की जिंदगी गुजारें, इताअत गुजारी की जिंदगी गुजारें, पाकीज़ा जिंदगी गुजारें, वहां वालिदैन उनके बड़े हैं, उनकी उसी तरह जिम्मेदारी है कि वो भी अपने किरदार को बतौर नमूना पेश करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि किरदार नमूने के तौर पे पेश करना चाहिए। अगर आप तवक्को करें कि हम बड़े हैं, और यही प्रॉब्लम है पेरेंट्स का आज, वालिदैन का यही प्रॉब्लम है, वो रोब के जरिए छोटों को इताअत गुजार बनाना चाहते हैं और अपने अमल को दुरुस्त नहीं करना चाहते। मां बाप बतौर राइट क्लेम करते हैं कि हमारा अदब किया जाए, और उस अदब के लिए अपने किरदार को, जो औलाद उनकी देख रही होती है सुबह शाम, उस किरदार को अदब के और एहतराम के लायक नहीं बनाते। वो दौर गुजर गया जब हम छोटे थे और खाली बाप की आंख से भी सारी औलाद डरती रहती थी, और बाप से कोई बात पूछने की भी जरूरत नहीं होती थी, भत्ता के वालिद के सामने बैठकर खाना खाने की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। ये पुरानी उम्र के लोग जो कोई 35 साल से लेकर 30 साल से लेकर 40 साल की उम्र और उससे ऊपर के बैठे हैं, वो सारे मेरी बात की तवज्जो, बूढ़े लोग तो उन्होंने उससे ऊपर का जमाना देखा है। मैं तो आपको अपने बचपन और लड़कपन का जमाना बता रहा हूं। अक्सर बच्चे और औलाद वालिद के सामने खाना खाने की हिम्मत नहीं करते थे, बोलने की हिम्मत नहीं, इतना अदब होता था। और आम बुजुर्ग आ रहा होता था गली में, तो नौजवान लड़के सर ढांप के चलते थे, नंगा सर लड़के नहीं चलते थे। औरतों की बात नहीं कर रहा, आज तो औरतों का भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसे डांप लेंगे। जवान मर्द लड़के बूढ़े ज़ईफ बुजुर्ग को गली में आता देखकर सर डांप लेते थे। वो वैल्यूज थी, वो अकदार थी। अब वो दौर नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है, मैं बड़ी एक बड़ी साइकोलॉजिकल बात कह रहा हूं जो कि आज इस पर खत्म कर दूंगा। हमारा प्रॉब्लम वालिदैन और औलाद के रिश्ते में यह है कि जो माहौल हमने बचपन में देखा था,
और जिस तरह हमारी डीलिंग अपने वालदेन से थी और वालदेन की बात जिस तरह हम मान लेते थे क्यों पूछे बगैर हुक्म के तौर पर, वालिद ने कहा ऐसा करो बस सारी जिंदगी उसी तरह ही करना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बस कभी दूसरे काम का सोचने की जरूरत ही नहीं जिंदगी में, हमारे जहन में क्यों का सवाल भी नहीं उभरता था। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो कुछ हमारे साथ बीता था और जिस तरह का माहौल और लिंक पेरेंट्स और औलाद का हमने देखा था, हम आज 30-40 साल गुजर जाने के बाद अपनी औलाद से वही तरीका एक्सपेक्ट करते, यही प्रॉब्लम है ना। और जब कभी औलाद कहना नहीं मानती, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो फौरी कहते हैं हम तो अपने मां बाप के साथ ऐसा नहीं करते थे। बस बाबा वो दौर गुजर गया, वो 1950 था, वो 1960 था, वो 1940 था, वो 1970 था, ये 1996। रुबा सदी और सुलस सदी, तिहाई सदी चौथाई सदी गुजर चुकी है, पूरी की पूरी एक नस्ल या दो नस्लों का गैप आ गया है, और इस गैप को फिल किसने किया है? टेलीविजन। आप हर रोज जो कुछ टीवी में देख रहे हैं, हर रोज जो कुछ टीवी में देख रहे हैं और मीडिया के जरिए कम्युनिकेट हो रहा है, और नौजवान नस्ल यकीनन फिल्में भी देखती होगी जो जिन घरों में चलाए जाने की इजाजत है फिल्मों को, और मेरा ख्याल है खाल खाल घर होंगे जहां फिल्मों के टीवी पर फिल्में चलने की इजाजत नहीं होगी, शायद 98-99% घरों में फिल्मों की इजाजत होगी, ऐसे ही है या नहीं? तो जो कुछ जिन घरों में फिल्में भी चलती हैं, तो फिर मुझे तो मालूम नहीं है कि फिल्में किस हाल में जा रही हैं, क्योंकि हमारे यहां इजाजत, हम तो बच्चों को इजाजत, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे घर में, मैं पाकिस्तान में हूं या अमेरिका में, कहीं भी हमारे छोटे से बच्चे को गलती से भी रक्स नाच गाने या फिल्म का प्रोग्राम गलती से एक सेकंड के लिए भी लगाने की इजाजत नहीं है। और यह दबाव नहीं है, यह दबाव नहीं, ये उस ब्रॉटअप और तरबियत का नतीजा है कि बच्चे इससे अलूफ हो गए। इस मुआशरे में रहकर अगर अपनी औलाद को मजमूई तौर पर बेहतर रुख पे चलाना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। सवाल ये हम अपने गिरेबानों में झांकें कि हम बहसियत वालदैन क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं और कितनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। अगर हम जिम्मेदारी अदा करने में कोता और कासिर हैं तो हम किस रिस्पॉन्स की तवक्को करते हैं? आज औलाद तामील इरशाद और ब्लाइंड फेथ से हुक्म मानने की रवादार नहीं है। आज कल्चर बड़ा क्रिटिकल कल्चर आ गया है, हर बात पे पूछते हैं कि क्यों आपसे बहस करेंगे। आज जरूरत है उन्हें सेटिस्फाई किया जाए। ये वही बात आ गई ना, एक साथी ने कहा कि इनके सामने जवाब देनी, मैंने कहा नहीं मैं हूं, मैं हूं। वो जवाबदेही का मतलब मुतमईन करना है, यानी मुझे पता है कि किसी तहरीक को तहरीक की क्यादत करना, लेके चलना तो लाखों करोड़ों अफराद का खानदान होता है, एक 5 अफराद का कुंबा छोटा सा घराना, वो भी आप सिर्फ हुक्म के साथ नहीं चला सकते। आज के दौर में आप उन्हें कन्विंस करते हैं, उन्हें कायल करते हैं, मुतमईन करते हैं। अगर मुतमईन नहीं कर सकते तो आप यकीन जानिए कि वो दिलो जहां से आपके साथ नहीं चल सकते। आप कितने बच्चों को ऐसा देखते होंगे कि बाप के सामने डर के बैठते हैं और बाप जरा गर्दन फेरे दूसरी तरफ जाए तो आंखों से आपस में बाप का भी मजाक उड़ाते हैं। आज ऐसा है या नहीं? लड़के भाई भाई आपस में या बहन भाई आंखों के इशारों से बाप और मां बाप का भी मजाक उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते मां बाप का, देखो जी ये कहा है, कमेंट करते हैं। और मैंने तो अपने कानों से, बाज लोगों ने मुझे बताया गलियों में भी, फलां की जुबान से उसने सुना, खेल के दौरान ये सुना, अपने दोस्तों से, लड़कों ने अपने दोस्तों से सुना। यानी मैं बताता हूं आपको कि खुद मेरे बच्चे, उन्होंने मुझे बताया, मैं इस बात को क्लियर ही कर दूं कि मेरे बच्चों ने बताया अपनी गेम के दौरान कि उनके दोस्तों ने या उनके क्लास फेलोज ने या उनके दोस्तों ने, अब मेरे बच्चे उनके दोस्त ही थे ना, तो दोस्तों ने दोस्तों को अपने मां बाप पर नेगेटिव कमेंट किए, या स्कूल में या प्ले ग्राउंड में, और अपने बाप का मजाक उड़ाया, और किसके सामने? दोस्तों के सामने। तो मेरे बच्चों ने हैरत और ताज्जुब के साथ बताया कि अबू जी यहां तक हालत पहुंच चुकी है कि हमारे फलां फलां दोस्त ने अपने बाप के बारे में यह जुमले कहे। वो जुमले मैं अब बयान नहीं कर सकता, कहूं तो रोंगटे खड़े हो जाए। यानी आज तक मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि बेटा बाप और मां बाप के लिए ये जुमले भी बोल ले, यहां हालत पहुंच चुकी है।
तो लिहाजा हमें आंखें खोलकर आज के हालात का और नई जनरेशन्स की साइकोलॉजी का मुताला करके निगाह में रखकर अपनी रिलेशनिंग को डेवलप करना है, और इस तरह तरबियत होगी। आज का जमाना, इत्मीनान के साथ आप उनकी इताअत ले सकते हैं, उन्हें मुतमईन करें और फिर आप उनको ले लें साथ, और अगर इत्मीनान हो जाए तो फिर वो गर्दने भी कटवाने पर कोई ना कोई आ जाएगा, फिर सब कुछ लुटाने पर भी आ सकता है अगर इत्मीनान आप उन्हें मुहैया कर दें। लेकिन आप अगर उनको इत्मीनान मुहैया नहीं कर सकते और सिर्फ बाय ऑर्डर एज ए राइट आप चाहें कि वो आपकी ओबीडियंस करें, इताअत करें, ये दौर गुजर गया, वो हमारे बचपन का जमाना था, ये अब औलादों के बचपन का जमाना है। इसमें रुबा और सुलुस सदी, तिहाई सदी आगे जा चुकी है, और आगे जो 25 साल आने वाले हैं उसके बाद नक्शा कुछ और होगा, जो आपकी और मेरी आंखें शायद देखने की जुरत भी नहीं कर सकेंगी और हिम्मत और हौसला नहीं रखेंगी, जो सूरत हाल आगे आ रही। शादियां होती थी बच्चों और बच्चियों की, तो बच्चे और बच्चियां जवान शादियों के वक्त कभी अपनी शादी, अपने मंगेतर के बारे में गुफ्तगू करते थे? आप बेशुमार लोग शादीशुदा बैठे, शादी के वक्त कोई अपनी मंगेतर का बात, लड़का भी होता था तो शादी की जिक्र सुनकर शर्माता था। हम खुद उस दौर से गुजरे, शर्माता था, जिक्र नहीं करता था। तज़किरा होता था शादी का, मां बाप करते थे तो बेटा बेटी उठ के कमरे में चले जाते थे, अगर उनसे हत्ता के पूछते थे, और ये जो शरीयत ने कायदा बनाया कि अगर बच्ची ने साइन करने हो शादी और वो जुबान से हां ना करे इकरार में, इजाब कबूल के वक्त, और चुप कर जाए तो इसे भी रजामंदी समझा जाए, हत्ता के शर्म से रो पड़े, शर्मिंदगी यानी हया का रोना, चीखना नहीं हया का रोना, उसको भी रजामंदी तस्वर किया जाए। ये शरीयत का मसला क्यों बना कि बच्चियां और औरतें हयान रो पड़ती थी कि मेरी शादी का जिक्र हो रहा है, या चुप कर जाती थी, जुबान से बयान नहीं कर सकती थी। आज अब आपको तो ज्यादा पता है या नहीं, नीचे गुफ्तगू हमारी बहनें और बेटियां सुन रही हैं, इसका फैसला तो वो कर सकती हैं कि आज भी कोई देखते हैं कोई बेटी, और आज के जमाने में शरीफ घरानों की भी बच्ची कि शादी का जिक्र हो और हया से रो पड़े। देहातों में शायद आज भी हो, मगर ये बड़े बड़े तरक्की याफ्ता शहरों में अब मामला खत्म हो चुका है। खुद डिस्कस करते हैं शादी के मैटर्स, खुद तमाम अफेयर्स डिसाइड करते हैं, पूरा दिलचस्पी लेते हैं, मां बाप का हक दिलचस्पी लेने डिस्कस करने का काम उनका अपना ज्यादा होता है, और शायद अगले 20-25 साल बाद वो इस मंजर से मां बाप को हटा ही दें, कहें कि आप बस बैठ जाएं, हम खुद डिसाइड कर लेंगे। नहीं, सोसाइटी इस तरह बढ़ रही है या नहीं? टेलीफोन पर मंगेतर बातें करते हैं आपस में, नहीं करते? और मैं जानता हूं कि टेलीफोन पर मंगेतर निकाह की, खाली निकाह की शक्ल में या बगैर निकाह रुख्सती पर, बच्चों तक पैदा कर रहे हैं। तो आप और हम अगले वक्तों के हैं लोग, इन्हें कुछ ना कहो, हम अगले वक्तों के लोग हैं। हम तस्वर कर सकते हैं ये बातें कि हमारे दौर में ये था? हमारे दौर में तो बच्चे और बच्चियां जवान होने के वक्त तक घरों में गलियों में इकट्ठा खेलते थे, यानी वो जमाना हमने अमलन तजर्बे में देखा है। हमारे जमाने में बच्चे बच्चियां मोहल्ले की इकट्ठी खेलते थे, मां बाप ने कहीं जाना होता जवान बच्ची पड़ोसियों के घर छोड़ के जाते थे। आज है हालत के कोई जवान बच्ची किसी पड़ोसी के घर छोड़ के चला जाए? बच्चे बच्चियां इकट्ठे खेले जवानी में? इतना जमीन आसमान का फर्क आ गया है, वैल्यूज बदल गई है, सोसाइटी की वैल्यूज का ऑर्डर बदल गया है, तसव्वुरात बदल गए हैं, पैमाने बदल गए हैं, मेयारात बदल गए हैं। लिहाजा जिस सोसाइटी में हम बैठे हैं, हमें इस सोसाइटी को जहन में रखकर अगली नस्लों को संवारने के लिए एफर्ट करनी है, और वो बर्ताव करना है जिससे, जिस बर्ताव से आज औलादों और अगली नस्लों के लिए बेहतर नतायज पैदा हो। एक तरीके से पहले नतायज पैदा होते थे, आज उस तरीके से नतायज पैदा नहीं होते, आज वही नतायज पैदा करने के लिए कुछ और तरीके अपनाना होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आल पर रहम फरमाए। चलो, एक सवाल हुआ, उसके नतीजे में एक बड़ा ही अहम मसला डिस्कस हुआ जो हर घर की जरूरत थी। वमा अलैना इल्लल बलाग।